कितना सॉफ्ट बना है ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जा रहे हैं रवा और खोआ के गुलाब जामुन बनाने, काले रसगुल्ले। तो आ जाइए मेरी किचन में आप लोग फ्रेंड्स, चलिए बनाते हैं रसगुल्ला। बहुत ही स्वादिष्ट हमारे उरई के ये रसगुल्ले फेमस भी हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बना लेते हैं हम चाशनी। तो ये हमने ले ली है 1 किलो शक्कर। चाशनी को रख देते हैं। 1 किलो शक्कर में हमने 4 ग्लास पानी डाला है। अब इसको बनाते हैं चाशनी। तो गैस की फ्लेम को रखते हैं तेज और इसको बराबर चलाते रहेंगे इस तरह। और दिखा दूसरे साइड हमारी बन रही है चाशनी। तो इधर हम बना लेते हैं अपनी रसगुल्लों के लिए रबड़ी। ये हमारे उरई के फेमस रसगुल्ले बन रहे हैं। तो ये हमने चाशनी हमारी 15 से 20 मिनट में बनकर हो चुकी है रेडी। ये देखो, थोड़ी सी लेकर ऐसे हाथ से टच करके ये चिपक रही है, चाशनी हमारी बन गई है। तो रसगुल्लों के लिए रबड़ी बनके हो चुकी है रेडी। इसको निकाल लेते हैं एक कटोरी में। अभी ये सीक्रेट है, आपको हम बताएंगे इसका हमें क्या करना है। ये 2 चुटकियाँ इलायची पाउडर इसी चाशनी में मिला देते हैं। रसगुल्ला की फिलिंग के लिए, अंदर भरने के लिए हमने लिए हैं किशमिश, 20-25 किशमिश होंगी। ये हमने पिस्ता, जिसको हमने धोल धुल कर छील कर और इसको हमने फाइन चॉप कर लिया है पिस्ते को। ये हमने बादाम को भी फाइन चॉप कर लिया है। ये हमने 10 काजू को फाइन चॉप कर लिया है। ये हमने ले लिया है 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। और ये 250 ग्राम है रवा सूजी, 250 ग्राम। और ये 1/2 किलो हमने खोआ घर में ही बनाया है। अब इसको हम इसमें डालकर काजू, पिस्ता, बादाम और इलायची पाउडर और किशमिश को सबको एक साथ कर लेते हैं। और इधर मिलाएंगे हम थोड़ा फिलिंग के लिए खोआ ये, और इसी में मिलाएंगे हम थोड़ा सा ये फूड कलर ऑरेंज वाला, इसको भी मिला लेते हैं। इसको बनाते हैं इसका मिश्रण भरने के लिए। ये सारे ड्राई ताज़ा ही है। तो इसको हम मिला लेते हैं रवा सूजी, जो कि है 250 ग्राम। इसको इस तरह से मिक्स करेंगे, इस तरह से। तो इसमें 250 ग्राम सूजी, 1/2 किलो रवा में पूरी डाल देंगे। इसको मिक्स करके दूध से इसको घोटेंगे इस तरह। पहले मिक्स करेंगे दूध मिलाकर खोआ को। अब इसी में मिलाते हैं 1/2 चम्मच खाने वाला सोडा। दूध डाल के और इसको लगातार इस तरह मिक्स करते रहेंगे 10 मिनट तक, इस तरह से। इसका रवा फूलना चाहिए तभी रसगुल्ले अच्छे से। ये हमने इस तरह से लगातार 10 मिनट तक हम करते रहते, और हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालते रहते, और लगातार हमने इसको ऐसे किया था। अब इसको इकट्ठा करके 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, ताकि इसका रवा फूल जाए। और इसको हम ढककर रख देते हैं 10 मिनट के लिए। अगर हमने अपना रिफाइंड रख दिया है गर्म होने के लिए। बराबर ये लोइयां बना लेते हैं रसगुल्लों की इस तरह। हम पहले 7-8 लोइयां इसकी बना लेंगे, और इधर जो अंदर फिलिंग भरी जाएगी इसको भी इस तरह से करके, और इसकी भी फिलिंग हम, ये वही है जो ड्राई फ्रूट्स और कलर डाल के मिश्रण बनाया गया था, ये वही है छोटा छोटा बॉल, इसकी भी बना लेंगे। इसको भरेंगे हम अंदर। तो एक बॉल इस तरह से लेकर इस तरह से इसको प्रेस करेंगे, इस तरह से। ये एक बॉल इसमें भरकर और इस तरह से फिल कर देंगे, जैसे अपन कचौड़ी को फिल करते हैं। इसको राउंड राउंड घुमाकर इस तरह से करते हैं, इस तरह से। और इसको करेंगे यूं, ताकि ये ज्वाइंट पूरा खोले ना,
ढंग से इस तरह से कर देंगे, इसको रखेंगे साइड में। एक और बॉल बना के बताते हैं, इसको पहले इस तरह से करके इस तरह से इसको करेंगे प्रेस हल्का सा। इसकी एक बॉल लेकर इसमें फिल कर कर और इस तरह से इसमें भर देंगे इस तरह से। अब इसको भी न्यू करके और इस तरह करेंगे ताकि पूरे में ज्वाइंट खुले ना। इसी तरह हम सारी बॉल बनाकर 8-10 एक साइड रख लेंगे। फिर सेकना रखा था मीडियम फ्लेम पर। अब इसको रसगुल्लों को सेक लेते हैं इस तरह से, बड़ी सावधानी से डालेंगे इसको इस तरह से और ये इस तरह से। सारे रसगुल्लों को मीडियम फ्लेम पर हम सेक लेते हैं। तो ये इधर हमने चाशनी को भी स्लो फ्लेम पर रखा है गर्म होने के लिए। गर्म बनी रहेगी चाशनी तो अच्छे से रसगुल्ले चाशनी पहुंच जाएगी, रसगुल्लों तो में अंदर तक चाशनी चली जाएगी। तो अभी हमने 8-10 रसगुल्ले ही डाले हैं इसमें और मीडियम फ्लेम पर सेक रहे हैं। इसको तली में इस तरह चलाते रहें, हल्का हल्का टच करते रहें इस तरह से, और बस 2-3 मिनट में ये सिक जाते हैं। तो ये देखो बस 10 सेकंड बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। इन्हें हमने मीडियम फ्लेम पर सेका था और इस तरह से बीच में रसगुल्लों में नहीं रखना है, ये जरिया इधर इधर रखना है, तो ये तली में लगेगी भी नहीं, चिपकेंगी नहीं और बस आराम से अच्छे से सिक जाएंगे। ऊपर के रसगुल्ले इसमें रखेंगे इस तरह से, सारा ऑयल रिफाइंड इसमें नीचे आ जाएगा। इस तरह से निकाल लेंगे, ये देखो कि इसका सारा रिफाइंड निकल गया। अब हम डालेंगे चाशनी में, ये चाशनी हमारी गर्म है ही, इसमें आराम से पलट देंगे ये देखो, और इसको चला देंगे इस तरह से। गर्म चाशनी में बड़े आराम से डूब जाते हैं ये देखो, अंदर तक चाशनी जाएगी, काहे कि चाशनी हमने बना के गर्म कर दी है मीडियम फ्लेम पर, ये देखो। और बस इसको इस तरह चला देंगे, अभी चाशनी भरेगी तो इसका साइज और बड़ा हो जाएगा। ये देखो बन के हो गए फेमस उरई के रसगुल्ले, ये देखो। ये डालते हैं अपने उरई के फेमस रसगुल्ले, ये देखो आप लोग। और जो हमने रबड़ी बनाई थी उसका करना है ये डाल के देते हैं हमारे उरई में। रबड़ी को इस रसगुल्लों पे इस तरह डालकर देते हैं वो लोग। आप एक बार ये रसगुल्ले हमारे उरई वाले जो फेमस है आप लोग जरूर बनाना, उरई के रसगुल्ले बहुत ही टेस्टी बनते हैं, लाजवाब। आप एक बार बनाओगे तो ये रसगुल्ले खाना आप लोग बार बार खाना पसंद करोगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच, ऐसे ही आते रहेंगे नए नए वीडियो लेकर। बाय बाय, टेक केयर। बहकी सभी जुबां है हम है हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत। ये हम रसगुल्ले को तोड़ कर दिखाते हैं, ये देखो कितना सॉफ्ट बना है, अब की कमी जरा है हर चीज खास है, अब है जो है वो समा। और एक रसगुल्ला ये हम सिंगल भी तोड़ कर दिखाते हैं, अब है जो है वो समा है तुम रह सके इतना सॉफ्ट बना है। अब चाहे जिंदगी ये देखो बना है ना एकदम बढ़िया परफेक्ट।